Good morning students of class 4th. It's your science subject. Today we are learn from a new lesson number 4. And the name of the lesson is Animals Living and Surviving. Animals, सबको पता है animals किसको बोलेंगे? जानवर, living जानदार, and surviving means जिंदा रहना. Get started. Circle the odd one out in each set. वो रहे कि जो यहाँ पे out है, तीन यहाँ पे कुछ set बनाया है, इन set में से आप लोगों को कौन सा इस set में match नहीं हो रहा है उसको circle करना है. First है fish, turtle, dolphin, grasshopper. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फिश और टर्टल्स, डॉल्फिन्स, ये तीनों जो है वो पानी में रहते हैं, है ना. ग्रास हॉपर जो है वो पानी में नहीं रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? घास पे होते हैं, ठीक है. तो इन तीनों, इन चारों में से ये हो गया आउट. तो इस ग्रास हॉपर को क्या करना है? सर्कल करना है. सेकेंड है पिजन, ऑस्ट्रिच, कार्ट, पीको. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पिजिन, काइट और पिकॉक जो है वो उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ते नहीं है. तो यहाँ पे आप लोगों को ऑस्ट्रिच को क्या करना है? सर्कल करना है. नेक्स्ट है लॉयन, लिपोट, टाइगर, एलिफेंट. ये लॉयन, लिपोट, टाइगर जो है वो कार्निवोर्स है, ये गोश्त खाने वाले एनिमल्स है, लेकिन एलिफेंट जो है वो घास खाने वाले हैं, घास खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स है. तो यहाँ पे आउट हो गया एलिफेंट. एलिफेंट को आप लोगों को सर्कल करना है. इसके बाद है फोर्थ, बियर, क्रो, ह्यूमन, केट. बियर, क्रो और केट जो है ये एनिमल है, इनको पूरे सेंस नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन. ह्यूमन में अगर हम देखेंगे तो पूरे जो फाइव सेंस होते हैं वो सेंस, सारे सेंस ह्यूमंस में होते हैं, लेकिन इन एनिमल्स में नहीं होते हैं. तो यहाँ पे आउट क्या हो गया? ह्यूमन, ठीक है. ह्यूमन को क्या करना है? आप लोगों को सर्कल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम लेसन को पढ़ेंगे. मिलियंस ऑफ ईयर एगो, लाखों साल पहले ह्यूमंस, एनिमल, ह्यूज एनिमल्स कॉल्ड डायनासोर रोमेड द अर्थ. हज़ारों साल पहले क्या होते थे? बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि डायनासोर का अगर हम बात करेंगे तो डायनासोर जो है वो पूरी दुनिया में घूमते रहते थे. उनको ये नहीं पता होते थे कि ये किस चीज़ के लिए घूम रहे हैं, और कुछ डायरेक्शन भी नहीं पता होते थे कि कहाँ जाना है करके, ठीक है, बस घूमते रहते थे पूरी दुनिया में. Now there are no dinosaurs. अगर अभी हम देखेंगे तो डायनासोर बिल्कुल नहीं है. Do you know why? आप लोगों को ऐसा पता है कि ये डायनासोर अभी क्यों नहीं है? Some scientists believe this happened due to a sudden change in the earth climate. बोल रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये हमारी जो क्लाइमेट, हमारी मौसम में तब्दीली, जो अचानक तब्दीली आने की वजह से ऐसा हुआ है करके ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं. दे बिलीव दैट इट बिकेम वेरी कोल्ड एंड द डायनासोर्स वुड नॉट एडजस्ट टू द कोल्ड कंडीशंस एंड डाइट. बोल रहे हैं कि इनका ये भी मानना है कि ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मौसम, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से डायनासोर उस ठंड को एडजस्ट नहीं करने की वजह से वो लोग मर रहा है, ठीक है. इन द नेचुरल वर्ल्ड, अगर हम इस दुनिया, जो कुदरती हमारी दुनिया है, अगर उसमें देखेंगे, ए प्लांट इन एन एनिमल्स एडाप्ट आर चेंज इट सेल्फ टू सूट इट इज सराउंडिंग. अगर हम इस दुनिया में देखेंगे, प्लांट्स, पौधे और जानवर क्या करते हैं? खुद को एडॉप्ट करते हैं, चेंज करते हैं. एडॉप्ट मीन्स तब्दील, खुद में तब्दील लाते हैं. क्या करने के लिए? उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में खुद को चेंज करते हैं, खुद में तब्दीली लाते हैं. दिस हैपन्ड ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ऐसा हो रहा है सौ हज़ार साल
से, ठीक है। क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स खुद को जब गर्मी आता है तो उस गर्मी के साथ एडजस्ट करते हैं, जब सर्दी आता है तो उस सर्दी के साथ खुद को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडाप्टेशंस। तो एडाप्टेशंस किससे क्या होते हैं, उस प्रोसेस को एडाप्टेशन कहते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल्स अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, चेंज करते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। उस प्रोसेस को हम एडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। आई समझ में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एडाप्टेशन इन इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरी मतलब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, अदरवाइज़ आगे जाएंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एडाप्टेशन, व्हाट इज़ एडाप्टेशन। एडाप्टेशंस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स खुद को उस इन्वायरमेंट के साथ सूट करते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ वो चेंज होता है, ठीक है। अगर बहुत सर्दी आया तो खुद को उस सर्दी के साथ एडजस्ट करते हैं, सूट करते हैं। अगर बहुत गर्मी आते हैं तो उस गर्मी के साथ वो अपने आप को सूट करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है लिविंग थिंग्स देज आर एबल टू एडॉप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग सेव दोज देट कैन नॉट एडॉप्ट डाई। बोल रहे हैं कि वो एनिमल, वो लिविंग थिंग्स, वो जानदार जो जिसमें ऐसा सलीहा मतलब ऐसा उसमें एबल हो, एबिलिटी हो कि वो क्लाइमेट के साथ अपने आप को चेंज करे, वो जिंदा रह सकते हैं। वो जानवर जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो क्लाइमेट के साथ, जो अपने सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं। लाइक हमारी, आपने पहले भी यहाँ पे हमने पढ़ा, डायनासोर एक ऐसी एनिमल थे जो इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए सारे डायनासोर मर गए, अभी कोई डायनासोर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप लोग यहाँ से यहाँ तक अच्छे से घर में पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।